इस तरह से आपे बना के देखिए, आई एम श्योर आपको ये आपे बहुत पसंद आएंगे। बिल्कुल इसे बनाने को टाइम नहीं लगता और झटपट ये तैयार भी हो जाता है। इसे आप एंजॉय कीजिए लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में। तो चलिए बनाते हैं आज ये दूधी से बना हुआ आपे। इसके लिए हमें चाहिए दूधी। यहाँ पे मैंने आधा दूधी लिया है, लगभग आधा किलो जितना दूधी था, जिसमें से मैंने दो स्लाइसेस कट करके लिए हैं, लगभग 250 ग्राम होंगे। इसे मैंने पानी में भिगा कर रखा है। साथ में हम लेंगे आधा कटोरी सूजी, ये कटे हुए हरी मिर्च और अदरक है। साथ में एक मीडियम साइज जितना कटा हुआ प्याज और लेंगे थोड़े बहुत कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिए के पत्ते। यहाँ पे मैंने एक कटोरी, बड़ा कटोरी जितना बेसन लिया है। ये दूधी को मैंने कद्दूकस करके लिया है और अब उसमें हम डाल देंगे कटा हुआ प्याज। इसके बाद हम डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। अदरक और मिर्च के बाद हम डाल देते हैं इसमें आधा कटोरी सूजी। सूजी से आपे को क्रंच फ्लेवर आता है। अब इसमें हम मिला देते हैं बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। इसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करते हैं, जैसे आधा टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम धनिया के पाउडर भी मिला देते हैं, लगभग आधा टेबलस्पून। आप दूसरा भी कोई मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं आपके स्वाद के अनुसार। फिर डाल देते हैं इसमें चुटकी भर हींग और ये आया स्वादानुसार नमक, इसे भी हम मिला देते हैं। और लास्ट में हम डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर, ये लगभग एक टीस्पून जितना हल्दी का पाउडर है। और इसके ऊपर हम मिला देते हैं बेसन। इसके बाद हम बेसन के बाद इसे हमें अच्छे से मिला कर लेना है, अच्छे से कोट हो जाए सारे मसाले एक दूसरे के साथ। दूधी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने पानी यूज़ किया है, दूधी अपना खुद का पानी छोड़ता है, तो पानी डालते वक्त ध्यान रहे। लगभग मैंने आधा कटोरी जितना पानी यूज़ किया था इसमें और इसे मैंने अब अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके हो जाए तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए, एक 10 मिनट के लिए इसे ढककर हमें रखना है। ये देखिए 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो ये बैटर बिल्कुल रेडी है। साथ में यहाँ पे मैंने जो आपे का बर्तन होता है उसे मैंने गर्म करने रखा था गैस में, तो इसमें अब मैं मेल्टेड घी मिला रही हूँ। आप इसमें तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन घी से इसका स्वाद और बढ़िया आता है। अब इस आपे के बर्तन में हम एक एक करके चम्मच मिलाते जाएंगे। इस टाइम पर गैस को मैंने लो फ्लेम पर ही रखा है। जैसे जैसे आपका पूरा बैटर डाल के रेडी हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा मीडियम पे रख दूँगी। ये तवा जितना आपका गर्म रहेगा ना, उतना ये आपे बनने में आसानी होगी और ये कच्चा नहीं रहेगा अंदर से। ये देखिए ये सारे जो आपे के अंदर जो डालना था हमारा रेडी हो चुका है। अब थोड़ा गैस को मैं मीडियम पे रखूँगी और इसे ढककर एक 2 मिनट के लिए पकाने रखूँगी। 2 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब इसे हम फ्लिप कर लेते हैं, दूसरे साइड से भी हमें इसे पका कर लेना है। तो इस तरह से फ्लिप करके हम दूसरे साइड में पका लेंगे। इस वक्त भी ये फ्लेम मैंने मीडियम पर ही रखा है। ढक के इसे और 2 मिनट के लिए हम पकने रख देते हैं। 2 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए आसानी से आपे निकल रहे हैं, इसका मतलब ये आपे बनकर रेडी है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हर आपे के लिए लगभग मुझे 1 टीस्पून जितना घी लगा था और मैंने एक्स्ट्रा घी बिल्कुल ऐड नहीं किया, जितना घी डाला था उसी में मैंने आपे बना के रेडी कर लिए। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये आपे। इस तरह से हम बाकी के आपे भी बना लेते हैं और इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आधा कटोरी सूजी और 1 कटोरी बेसन में लगभग मैंने 22 आपे बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए आप प्लेट में देख सकते हैं, मैंने इसे सर्व कर लिया है सॉस के साथ। और ये देखिए आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हुआ है ये आपे, अंदर से भी पक चुका है। और इसे आप सॉस में डुबाकर या चटनी के साथ खाइए, ये बहुत ही यमी लगती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी रेसिपी।
दिल से बनाइए, दिल से खाइए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हो तो ज़रूर पेट पूजा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।